नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रोफाइल लाइट फॉल सीलिंग पे कैसे लगाया जाता है। तो एक पीओपी वाले ने सीलिंग को काट के रखा है, तो हम वहाँ पर चलते हैं। एक भाई ने फ़ोन किया अपने को और वो बोला हम लोग को प्रोफाइल लाइट लगाने नहीं आता, तो आप ही कर दो इसका काम पूरा। तो हम आपको बताएंगे वहाँ पर किस तरीके से कंडीशन है, आपको पूरा लेके दिखाते हैं और कैसे तरीके से हम लोग प्रोफाइल लाइट लगाएंगे और फॉल सीलिंग पे। बहुत जगह वीडियो डाला हुआ है, फिर ये अलग टाइप का रहेगा, तो हम आपको पूरा इसमें डिटेल बताने वाले हैं कैसे तैयारी करना है, ताकि वहाँ पर प्रोफाइल लाइट का पहले से तैयारी नहीं रहेगा तो वहाँ पर कैसा कर सकें। तो चलो हम लोग लेके चलते हैं हमारे वीडियो पे। और दोस्तों वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों आप फेसबुक पेज में देख रहे हो तो चैनल को ऑलवेज फॉलो, ताकि हमारा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। यहाँ पर लगाना है अपने को एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट। तो ये देख सकते हो इस तरीके से ग्रुपिंग कटा है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है और यहाँ पर आपको बताएंगे किस तरीके से एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपको मटेरियल दिखाते हैं, डायरेक्ट अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। और ये देख सकते हो यहाँ पर 17 mm का हमारे पास है एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट और उसका डिफ्यूज़र, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एलईडी स्ट्रिप है, ये 12 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप है और कंपनी का नाम मेंशन देख सकते हो। और ये 2835 240 एलईडी बल्ब रहेगा 1 मीटर पे, और ये 5 मीटर का है, ठीक है। और ये कलर देखिए वॉम वाइट स्ट्रिप है, 5 आता है 8 और 10 mm, तो ये 10 mm का स्ट्रिप है। और इसके लिए ड्राइवर देखिए, यहाँ पर 12 वोल्ट का हमारा ड्राइवर है और ये एम्पियर है 10, ठीक है। तो ये 3 आइटम चाहिए अपने को इसके लिए। और लगाना कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ग्रुपिंग तो कटिंग कर दी है पीओपी वाले ने, फिर यहाँ पर अपने को सपोर्टिंग देना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम लोग जितना भी वीडियो में आपको बताया ना, यहाँ पर ग्रुपिंग तो पूरा कटिंग नहीं की है, यहाँ जिप्सन बोर्ड को तो कटिंग नहीं किए थे और ऐसा हम लोग वहाँ पर चिपका के दिखाए थे सिलिकॉन से। तो अभी हम आपको स्क्रू पे सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम पट्टी को मेजरमेंट ले लेते हैं और जितने भी ग्रुपिंग है ना वहाँ पर मेजरमेंट लेके यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। और इसको हम लोग को ग्राइंडर से काट देना है लोहे का ब्लेड लगा के, और अच्छे से इसको घसाई कर देना ताकि यहाँ पर धार नहीं रहना चाहिए। और ये हो गया, उसके बाद हम लोग को एक बार फिर से मेजरमेंट ले लें सही से यहाँ पर कटा है कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पर मेजरमेंट सही तरीके से कटा हुआ है, और दूसरे वाले मेजरमेंट लेते हैं और उसको हम लोग जो है इसको भी इसी तरीके से कटिंग करना है, ठीक है। तो इसको मेजरमेंट लेना है सही से और यहाँ पर कटिंग कर देना है, ठीक है। कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसी प्रकार के सबको अपने को कटिंग कर लेना, जितना भी हम लोग को प्रोफाइल पट्टी लगाना है और लाइट लगाना है उसको सबको कटिंग कर लेना, मार्किंग कर देना है यहाँ पर 1 2 लिख लेना है ताकि प्रॉब्लम मत हो। यहाँ पर 2 नंबर का ही है, पहले वाला का 1 था ये 2 था। तो इसको हम लोग को मार्किंग इसलिए कर रहे हैं, आपको बताते हैं इसको हम लोग बनाने वाले एल शेप में। तो एल शेप में कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 3 एल्युमिनियम पट्टी कटिंग कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को मेजरमेंट लेना है, इसको बनाना एल शेप में बनाना। तो एल शेप में कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, आप भी इसी तरीके से मेजरमेंट लेना और इसको कटिंग करना, ठीक है बस। तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट हो गया, उसके बाद गुनिया ले लिए, गुनिया से हम लोग को इसको तिरछा कटिंग करना है। क्यों करेंगे आपको बताएंगे, वीडियो में ध्यान देके देखिए इसको पता चल जाएगा क्यों इसको ऐसा तरीके से कटिंग करने वाले। तो ये मार्किंग हो गया, उसके बाद ग्राइंडर फिर से ले लेंगे और ग्राइंडर में अच्छे से यहाँ पर इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है। इसके लिए कटर में काटते तो काफ़ी मेहनत लगता, तो हम लोग ग्राइंडर जरूर यूज करते हैं ताकि फिनिशिंग आए और इसको जो हम लोग को कटिंग कर लेना इस तरीके से। और ये कटिंग हो गया दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसको क्यों बना रहे, देखिए यहाँ पर शेप बन चुका है हमारा, इसी तरीके से ये कटिंग हुआ और ये हम लोग गुनिया में टेस्ट कर ली, अच्छे से ये फिटिंग आ गया सही तरीके से। और उसके बाद हम लोग को लगाना है क्या, एल्युमिनियम पट्टी के लिए उसको सपोर्टिंग के लिए ऊपर में हम लोग को देना है ऊपर में पट्टी, ठीक है। तो ये हमारे को चैनल पट्टी देना जरूरी है, और अपने को जो है नहीं देंगे तो स्क्रू नहीं मारते बनेगा। हम लोग अधिकतर यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर एक पट्टी पैकिंग दे रहे हैं क्योंकि ये पीओपी वाले ने पूरा ग्रुपिंग काट दिया था। तो ये हमारा 17 mm का एल्युमिनियम पट्टी है, तो उसके लिए अपने को जगह नहीं हो पा रहा है, तो ज्यादा अंदर घुस जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं एब्रो टेप लेने और छोटा छोटा हमारा को एक लकड़ी का टुकड़ा है उसको हम लोग ग्रुपिंग मतलब पैकिंग के लिए लिए हैं,
ताकि अंदर मत जाए हमारा एल्युमिनियम प्रोफाइल। उसके बाद देखिए पीओपी स्क्रू लिए 1 इंची का, और जहां पर हमारा पट्टी आ रहा है चैनल पट्टी, वहां पर अपने को ये फिटिंग कर देना है। ठीक है, तो दो करीब हम लोग दो लगा दिए, और उसके बाद देखिए दो स्क्रू लगाने के बाद साइड वाला को क्या करना है, साइड वाले को भी सेम प्रोसीजर में लगाना है। ठीक है, और आपके पास चैनल पट्टी नहीं आ रहा है ना, तो पीओपी के ऊपर हम लोग डाल सकते हैं और उसके बाद फिर से यहाँ पर उसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से सभी को करना है अपने को, और देखिए इसको भी अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। अब यू शेप में हमारा डिजाइन है रूम पे, तो यू शेप में हम लोग यहाँ पर फिटिंग कर लिए फाइनल। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो अच्छे से फिटिंग हो चुका और फिनिशिंग भी दिख रहा है। और अभी हम लोग वायर का मेजरमेंट लेंगे। वायर का मेजरमेंट इसलिए लेंगे, हम लोग को यहाँ पर वायर अंदर डालना, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था, जो पीओपी का काम किए वो करके कटिंग करके छोड़ दिया, और लाइट वाले भी इनको पता नहीं था, एक दोस्त का काम था तो उसको हम लोग को जाके यहाँ पर पूरा किए। उनका फाइनल था और शादी उस दिन था, दूसरा दिन, तो इसको फाइनल करना था। रात को हम लोग गए और वायर डालने के बाद देखिए दोस्तों हमारा वायर पहुंच गया यहीं पर, और ये देखिए यहाँ पर हम लोग को माइनस प्लस करना है। और एक हम लोग क्या लिए यहाँ पर, देखिए ट्यूब लिए, एक ट्यूब टेप नहीं कर रहे, एक इंसुलेटर ट्यूब है उसको कर दिए। उसके बाद जो हमारा स्टीप लगाने का पारी आ गया, काफी सिंपल है, ब्लू कलर का स्टिकर है, उसको बाहर निकालना है और हाथ से प्रेस करते हुए लेके जाना है, और ऐसे तरीके से ये चिपकते हुए जाएगा। हम लोग काफी सारा वीडियो में बताया गया डिटेल किस तरीके से क्या है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। इसी तरीके से फूल सभी तरफ चिपका देना है। उसके बाद हम लोग को कॉर्नर पे आ जाते हैं, तो कॉर्नर पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो मोड़ना नहीं, हम लोग अभी आपके पास टाइम है तो इसको कटिंग कर लो, उसके बाद सोल्डिंग कर दो वहां पर। ठीक है, तो सोल्डिंग करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वहां का फिनिशिंग दिखेगा, तो सोल्डिंग करना हम लोग को बहुत ही निहायती दरकार है। बहुत जन को नहीं लगता, तो सोल्डिंग करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा और काफी अच्छे लगता है, और बाहर से बिल्कुल वायर नहीं दिखेगा, वो छोटा सा सोल्डिंग होगा। और हम लोगों के लिए नाश्ता आ गया, रात को 10-11 बज गया, और शादी का मेहंदी था इनके यहाँ, तो नाश्ता ढोकला लिए, और ये देख सकते हो हम लोग नाश्ता करने के बाद जो है जितना भी हमारा स्ट्रिप था वो हम लोग लगा दिए, और ये यहाँ पर हम लोग को लगाना है पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये देखिए ये कर बचा है, उसको हम लोग को उसको भी फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल आपको बताएंगे। ये हम लोग स्ट्रिप ले लिए, यहाँ भी माइनस प्लस वायर जोड़ देना, माइनस प्लस जरूर जोड़ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ड्राइवर, आप देख सकते हो ये पावर सप्लाई, ये इनपुट आउटपुट यहाँ पर मेंशन है, और ऊपर की ओर हम लोग जो वायर सीरीज पैलर में किए हैं ये हमारा इनपुट वायर है, तो इसमें हम लोग को माइनस प्लस जोड़ना दरकार नहीं रहता, कोई सा भी वायर जोड़ सकते हैं। एलईडी के लिए अपने को जोड़ना जरूरी है, जो स्ट्रिप रहता है उसके लिए माइनस प्लस जो नेगेटिव पॉजिटिव बनाना जरूरी, नहीं तो आपका स्ट्रिप खराब हो सकता है। ये हमारा फेस न्यूट्रल है, ठीक है, इनपुट जो स्विच बोर्ड से है। उसके बाद देखिए यहाँ पर रेड और ब्लैक जो है यहाँ पर प्लस माइनस पे लगने वाला है, तो ये अलग अलग सर्किट है, मैं आपको बता देता हूँ ये अलग अलग क्यों बना है। यहाँ पर हम लोग जो है हमारे यू शेप में बना है, तो ये क्या हो रहा है, हमारा 5 मीटर से ज्यादा नहीं चल पाएगा, तो हम लोग जो आधा आधा बांट दिए इसको, और ये इस तरीके से यहाँ पर कनेक्शन किया जा रहा है, तो इसको जो है प्लस माइनस जरूर देने का है। और ये देखिए यहाँ पर देने के बाद दोनों का अलग अलग सर्किट है, तो दोनों को अलग अलग दे देते हैं। ठीक है, ऊपर तो हमारा पहला रहे, इधर हमारा अलग अलग कनेक्शन दिया गया है, फाइनल हो गया। उसके बाद इसको हम लोग को अंदर डाल देना है एलईडी लाइट के पास, ताकि प्रॉब्लम मत हो अपने को कभी रिपेयरिंग करने के लिए। तो ये एलईडी लाइट डालने के बाद हम लोग पूरा प्लान करके इसको करते हैं, और ये एलईडी लाइट को ऊपर में हम लोग को फिटिंग कर देना है, फाइनल ये हो चुका, रिपेयरिंग हो चुका है। ये हमारा ग्रीन कलर का वायर है, वो पॉइंट है, और यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं। और दोस्तों आपको पता चल गया रूम का रोशनी चेंज हो गया ना, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमारा लाइट वर्क कर रहा है, और काफ़ी प्यारा लग रहा है बिना डिफ्यूज़र का, आपको बता देता हूँ बिना डिफ्यूज़र का। देखिए इसका डिजाइन देखिए कैसा लग रहा है, काफ़ी सुंदर पंखे लगे तो और काफ़ी मस्त लगेगा लुक में। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है इसका एलईडी दिख रहा होगा, अभी कैमरे पे दूर पे है ना तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर इसका डिफ्यूज़र लगाना है, यहाँ पर देखिए एलईडी देखिए। तो सबर का फल मीठा ही होता है, आपको पता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जितना भी स्ट्रिप लगाना था ना हम लोग कंप्लीट कर दिए, और यहाँ पर स्विच बोर्ड का छोटा सा वायरिंग बचा है, ठीक है, उसको करने के बाद आपको पता ही है एलईडी के पास हम लोग वहाँ पर पावर सप्लाई ड्राइवर रखे हैं, और बाकी सब हो चुका है। यहाँ पर डिफ्यूज़र लगाना बचा है, और बच गया फ़ैन यहाँ का, तो फैन तो बाद में लगेगा, हम लोग को इसको पूरा करना है।
तो चलो अभी ऑन करके दिखाते हैं और डिफ्यूजर लगने के बाद ऑन करेंगे तो कैसा लुक आता है दिखाते हैं आपको रूम पे। तो दोस्तों फाइनली देखिए यहाँ पर बोर्ड का बस हम लोग वायरिंग कर दिए और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ लाइट वर्क हो रहा है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी हमारा डिफ्यूज़र लगाना बचा ही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें डिफ्यूज़र लगा है और इसमें बिना डिफ्यूज़र का है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एलईडी दिख रहा होगा दाने दाने, और डिफ्यूज़र लगाएंगे उसके बाद जैसे ट्यूबलाइट जलता है ना उससे अपने को ज़्यादा ही रोशनी मिलेगा, अच्छे से वर्क करेगा। आपको देखिए यहाँ पर डिज़ाइन, ठीक है, पंखे बचा हुआ है, पंखे लगने के बाद काफ़ी सुंदर लगने वाला है। तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ का डिफ्यूज़र को पहले सेटअप करते हैं उसके बाद फाइनल दिखाते हैं कैसा लुक आता है यहाँ का। दोस्तों यहाँ पर पता ही आपकी केसिंग पट्टी लगाते हैं वैसे ही हम लोग को डिफ्यूजर लगाना है, नहीं तो एक लकड़ी का एक टुकड़ा लेना है छोटा सा बत्ता टाइप का और उसको प्रेस करते हुए जाना है और ये आराम से लगते हुए जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर पे आ जाता है, सेम प्रोसेस में यहीं पर से हम लोग काट लेंगे ग्राइंडर पे, ऊपर लेंगे ग्राइंडर को और यहाँ पर कॉर्नर को शेप लेके काट देंगे क्योंकि हम लोग को बार बार उसको खोलना नहीं पड़ेगा और उसको मेजरमेंट नहीं लेना पड़ेगा, एक बड़ा काटना है उसके बाद छोटा छोटा करते हुए लेके जाना है और फाइनली यहाँ पर लाइट जला के हम लोग कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा डिफ्यूजर लगा दी हल्का सा और बचा है, उसके बाद ऑन करते हैं लाइट, ऑन कर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से वर्क हो रहा है हमारा प्रोफाइल लाइट। डिफ्यूजर लगाने के बाद जो है डिफ्यूजर जब लगा नहीं था तो कैसा दिख रहा था, लगने के बाद कैसा दिख रहा है कमेंट करके जल्दी बताना। और ये देखिए ये फिनिशिंग हल्का सा जो है पुट्टी वाले जो है इसको फिनिशिंग कर देंगे कॉर्नर को और ये लुक देखिए कैसा लग रहा है। तो नीचे से आ गया हम लोग नीचे में और देखिए यहाँ पर नीचे से कैसा लुक दिख रहा है, स्क्वायर शेप में है और देखिए पहले बिना डिफ्यूजर का हम लोग चालू किए थे तो कैसा लग रहा था और नीचे में देखिए यहाँ पर रोशनी देखिए काफ़ी ज़्यादा ही मिल रहा है। अभी हम लोग एलईडी बंद करते हैं और चालू करके देखते हैं यहाँ का रोशनी कैसा आता है हमारा प्रोफाइल लाइट का। ये तो एक ही लाइट काफ़ी रहता है अपने को, एक रूम पे ये लगा ना तो रूम का रोशनी देखिए, अभी तो पूरा कचरा भरा हुआ है क्योंकि अभी साफ़ सुथरा होगा ना तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखिए। और रोशनी देखिए इसका, कहीं भी आपको दाना नज़र नहीं आ रहा होगा और कहीं भी लाइट अंधेरा नहीं लग रहा। इसी तरीके से हम लोग जो है कॉर्नर को शेप देते हैं, देखिए कॉर्नर कैसे जॉइंट हुआ है देख सकते हो, कॉर्नर कैसे जॉइंट हुआ है और उधर का भी कॉर्नर देखिए, सभी को अच्छे तरीके से पॉपुलर अच्छे से ज्वाइन किया गया है और देखिए कैसे लुक आ रहा है यहाँ का। और फाइनली यहाँ पर हमारा प्रोफाइल एल्युमिनियम कंप्लीट हो चुका है, एल्युमिनियम प्रोफाइल लाइट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो में काफ़ी सीखने को मिला होगा क्योंकि यहाँ का प्लानिंग देखे थे ना कैसा था, पीओपी वाले किए थे उसके बाद हम लोग आके किए तो काफ़ी मेहनत लगा फिर फाइनल यहाँ पर। तो वीडियो अच्छे लगे दोस्तों चैनल को कर ली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।